जय हिंद दोस्तों, आज फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि साइंस के, जैसे कि पहला प्रश्न होगा शक्ति का मात्रक है वाट, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, बल का मात्रक है न्यूटन, कार्य का मात्रक है जूल, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्स में, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, वीडियो पे लास्ट तक अवश्य बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो और अगला प्रश्न होगा, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी या घटेगी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बढ़ेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर, प्रचलन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है, इसका आंसर होगा अपकेंद्रीकरण। प्रश्न अगला है दोस्तों, विस्थापन वेग बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर होगा आयतन सदिश राशि नहीं है। प्रश्न अगला है दोस्तों, समय चाल विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, विस्थापन एक सदिश राशि है। प्रश्न अगला है, संवेग दाब ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है? तो इसका आंसर है संवेग सदिश राशि है। प्रश्न अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। प्रश्न अगला है, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी दोस्तों बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का में। प्रश्न अगला है, डायनामो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में है? तो आंसर है ऊर्जा का परिवर्तक होता है। प्रश्न अगला, डायनामो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न अगला है, टरबाइन व डायनामो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आंसर है मैकेनिक ऊर्जा को। प्रश्न अगला है दोस्तों, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है? प्रश्न अगले हैं दोस्तों, रेडियो तरंगों, एक्स तरंगों, प्रकाश तरंगों तथा ध्वनि तरंगों में से वह जो यांत्रिक तरंग है? तो आंसर है दोस्तों ध्वनि तरंग है। प्रश्न अगला है, वायु में ध्वनि की तरंग होती हैं अनुदे, दीर्घ रेडियो तरंग परिवर्तित होती हैं आयनमंडल से, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा। प्रश्न अगला है दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक अवश्य बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह है आयनमंडल। तरंगें जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती ध्वनि तरंगें, ऑक्सिमिक किरणें हैं अवशेषित करण में। प्रश्न अगला है दोस्तों, पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें धरातल संचरित की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में की जाती हैं। प्रश्न अगला है दोस्तों, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों को, एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो तरंगें, जब समतल मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगें होती हैं 10^-7 mm, रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है अवर्तक तरंगों को, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं माइक्रोवेव तरंगें, MS प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति वेड का परस होता है 88-108 MHz के माध्यम में, अंतों के रंगों के निदान में प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों को। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य।